पिछोर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एवं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी ने आज हर घर दस्तक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पिछोर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कृष्णकांत छिलोरिया एवं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी ने आज पिछोर नगर में हर घर दस्तक अभियान के तहत कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। साथ ही भाजपा सरकार के 18 साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की भी बात कही है। भाजपा सरकार की नाकामयाबी के बारे में भी मतदाताओं को बताया गया। घर घर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की 18 महीने की सरकार की उपलब्धि के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जनता को क्या कुछ लाभ दिया जाएगा, ये वचन पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी को वोट करने की अपील भी की जा रही है। और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, इसलिए आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत छिरोलिया। किस पद पे? मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिछोर का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप सभी लोग सुबह से ही लोगों के घर में दस्तक दे रहे हैं, क्या अभियान चलाया जा रहा है? ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिछोर की द्वारा और पूरे विधानसभा में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम घर घर दस्तक अभियान कर रहे हैं और सारे मतदाताओं से घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट मांग रहे हैं, ऐसा हमारा अभियान है। इसके अलावा 18 महीने की जो कांग्रेस सरकार रही है उसकी उपलब्धियां हमने इस पैम्पलेट में छपवाई हैं, 18 साल की भाजपा सरकार की नाकामियां हमने इस पैम्पलेट में छपवाई हैं, और 2023 में कमलनाथ जी की सरकार जब आएगी तो उनके वचन पत्र में क्या हम देंगे जनता को, मध्य प्रदेश में हमारा क्या सोच है, क्या विचारधारा है, उस बारे में पूरे इस पैम्पलेट में हमने बताया है। ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिछोर कन्हैया नाना की ओर से पैम्पलेट छपवाई है, जिसको हम घर घर जाकर घर घर दस्तक अभियान के तहत बांट रहे हैं, लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं।